दोस्तों आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे Realme 10 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को Xiaomi 11i 5G स्मार्टफोन के साथ में और आपको बताएंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आखिर कौन सा वाला आपकी नीड के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूँ कि Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको मेनली कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना भाई कि हां भाई देखने में लगे यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि कर्व डिस्प्ले दी गई है भाई अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक गेमर है ना और गेमिंग के हिसाब से डिस्प्ले चाहिए तब आप यहां पर भाई Xiaomi की तरफ जरूर से जाइए क्योंकि 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट है, स्मूथली वाली गेमिंग करवा देगा आपको। कर्व वाली में इसलिए मैं आपको कह रहा क्योंकि ना ऐसे टचेस होते रहेंगे और गेम का कुछ मजाक ही बन जाना आपकी। और अब बारी आती है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर Realme का फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Xiaomi का फोन Android 11 के साथ में आता है जो कि MIUI 12.5e पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहाँ पर Realme का फोन ही विनर है क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स हमें Android 13 मिल रहा है भाई अच्छी बात है। लेकिन यार अगर मैं UI की बात करूँ ना तो यार भर भर के ब्लोटर्स तो आपको दोनों में मिल जाएंगे। और अब बारी आती है दोस्तों चिपसेट की। तो यहाँ पर Realme फोन के अंदर हमें Dimensity 10805G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन के अंदर हमें Dimensity 925G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के हिसाब से यहाँ पर दोनों चिपसेट बढ़िया है। लेकिन यार अगर आपको गेमिंग करनी है ना तब आप यहाँ पर Xiaomi की तरफ ही जाना क्योंकि सिंपल वाली डिस्प्ले दी गई है, गेमिंग आप बढ़िया कर पाओगे, इसमें नहीं होगी भाई बढ़िया गेमिंग कर्व डिस्प्ले के साथ में। और दोस्तों अगर हम बात करें हाँ एंड्रॉइड स्कोर की तो Realme फोन का आता है 5,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi फोन का आता है 5,00,000 के करीब। यानी कि दोस्तों एंड्रॉइड स्कोर के मामले में भी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है और जो इनका कैमरा सेटअप है ना वो भी बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा वो 108 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। यानी कि दोस्तों में दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में एक अच्छा कैमरा सेटअप दिया गया है। और अगर मैं बात करूं ना यार मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहां वीडियो स्टेबलाइजेशन की तो उसमें भी भाई फर्क है क्योंकि दोनों स्मार्टफोन यहां पर सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। OIS का कोई भी सपोर्ट हमें दोनों में से किसी ने भी नहीं दिया भाई, यहां पर तो यार कंजूसी करी है दोनों ही कंपनीज ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। और अगर हम बात करें हाँ फ्रंट कैमरा की तो दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट में हमें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स बढ़िया हैं और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर Realme का फोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi का फोन 5160mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आता है। ये क्या हुआ 160mAh की बड़ी बैटरी भाई, जा पूछ क्या। यानी कि दोस्तों बड़ी बैटरी के मामले में यहाँ पर Xiaomi का फोन ही विनर है। और अगर हम बात करें ना यहाँ पर फास्ट चार्जिंग की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी की। तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं जिसमें Realme का फोन यहाँ पर 11 5G बैंड को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi का फोन 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है। वैसे तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार जो Realme के अंदर हमें 11 बैंड दिए गए हैं ना उनका तो एक अलग से ही फायदा रहेगा भाई हमें 5G कनेक्टिविटी में। और अगर दोस्तों हम बात करें हाँ 3.5mm जैक की तो हमें Realme फोन के अंदर नहीं दिया गया है लेकिन भाई Xiaomi के अंदर हमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें स्पीकर्स की तो दोनों स्मार्टफोन यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर के साथ में आते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों सिक्योरिटी की। तो यहाँ पर Realme फोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Xiaomi के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। यानी कि
दोस्तों सिक्योरिटी के मामले में यहाँ पर रियलमी का फोन ही विनर है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों दोनों स्मार्टफोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स के 6+128GB वेरिएंट की कीमत है 25,000 रुपए। बाकी दोस्तों पसंद आपकी है कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किस वाले को बाय करना है, रियलमी को या शाओमी को, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए भाई अगर आपको मेनली फोन कर्व डिस्प्ले के हिसाब से चाहिए ना, तब आप यहाँ पर भाई रियलमी की तरफ जरूर से जा सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको फोन कंटेंट वॉचिंग प्लस गेमिंग के हिसाब से भी चाहिए ना, तब आप यहाँ पर शाओमी की तरफ जरूर से जाइए। तो बस दोस्तों यही था मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। और अगर आप इन दोनों में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस देखने के लिए हमारे चैनल गैजेट्स पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।